नमस्कार, लोकमत सुबह की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश और आइए नजर डालते हैं सुबह की बड़ी खबरों पर। मेडिकल प्रवेश घोटाले के एक मामले में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज को हटाने की सिफारिश की है। मेडिकल प्रवेश घोटाले के एक मामले में प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज को हटाने की सिफारिश की। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज SN शुक्ला को हटाने की सिफारिश की है। जस्टिस शुक्ला पर जुडिशियल मिसकंडक्ट का आरोप है। CJI ने मामले की जांच के लिए बनी जजों की रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस SN शुक्ला को हटाने की सलाह दी। अब प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति चीफ जस्टिस की सिफारिश पर फैसला लेंगे। केंद्र सरकार ने आम लोगों के लिए ऑरेंज पासपोर्ट जारी करने का फैसला वापस ले लिया। सरकार की यह योजना थी कि जिन्होंने 10वीं परीक्षा पास नहीं की है उन्हें नारंगी रंग का पासपोर्ट दिया जाएगा। इस फैसले के बाद पासपोर्ट का अंतिम पन्ना पहले की ही तरह छापा जाएगा। भारतीय पासपोर्ट के आखिरी पन्ने पर पते की जानकारी होती है। सरकार ने पहले नारंगी रंग के पासपोर्ट में ECR कैटेगरी के लोगों को शामिल करने का ऐलान किया था। जिया खान सुसाइड मामले में अभिनेता सूरज पांचोली के खिलाफ आरोप तय। मुंबई की एक सत्र अदालत ने अभिनेता सूरज पांचोली पर जिया खान को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में केस चलाने का आदेश दिया है। न्यायाधीश KD शीरभाटे ने सूरज पंचोली पर IPC की धारा 306 के तहत आरोप तय किए हैं। मामलों में गवाहों का परीक्षण 14 फरवरी से शुरू होगा। UP में कासगंज में हिंसा के बाद अमेठी में दो गुटों के बीच झड़प से तनाव। दो समूहों के बीच झड़प में एक व्यक्ति की कथित तौर पर गोली मार कर हत्या कर दी गई, जबकि दो अन्य लोगों के घायल होने की खबर है। पुलिस के मुताबिक जगदीशपुर बाजार में एक बैंक के निकट एक व्यक्ति की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सरकार के एक साल पूरा होने के मौके पर अमेरिकी कांग्रेस में स्टेट ऑफ द यूनियन दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी नागरिक दुनिया में सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। अमेरिका और मजबूत हुआ है क्योंकि अमेरिकी लोग मजबूत हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमने अमेरिका को और महान बनाने के लिए कदम उठाए हैं। ट्रंप ने दावा किया कि उनकी सरकार में अमेरिका में पिछले 45 साल में बेरोजगारी सबसे कम हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में खेलो इंडिया प्रतियोगिता का उद्घाटन करेंगे। सप्ताह भर चलने वाली अंडर 17 प्रतियोगिता में 16 खेलों के 3200 खिलाड़ी भाग लेंगे। प्रतियोगिता में 119 स्वर्ण, 119 रजत और 275 कांस्य पदक दांव पर है। देश में जमीनी स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने के मकसद से खेलो इंडिया कार्यक्रम को शुरू किया जा रहा है। अब तक की बड़ी खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत न्यूज़.in के साथ।